जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमें फ़िलहाल द पिंक सिटी जयपुर में, बहुत ही खूबसूरत शहर है, यहाँ पे मैं रुका था लगभग 3-4 दिन से। हवा महल, जल महल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखी, मतलब शहर से तो अलग ही लेवल का प्यार हो गया है। पर आज एक नई जर्नी होने वाली है डबल डेकर एक्सप्रेस में, जिसमें हम लोग आज जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला तक ट्रैवल करने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह चश्मा क्यों पहना है यार। जब मैं सुबह सो के उठा तो एक तरफ की आँख पूरी रेड हो चुकी थी, मुझे भी नहीं समझ में ऐसा क्यों है। बेस्ट चीज़ ये है कि स्टेशन के जस्ट बाहर दवा दोस्त की दुकान है, जहाँ से मैंने एक मेडिसिन ले लिए। अब देखते हैं दिन में रिकवर होता है या नहीं। टोटल हम लोग 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाले, जिसमें हमारा पहला स्टॉप होगा अलवर और उसके बाद सीधा हम लोग पहुँचेंगे गुड़गांव, बांदीकुई जंक्शन, रेवाड़ी, ऐसे बड़े बड़े स्टेशन में डबल डेकर एक्सप्रेस नहीं रुकती है। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। सुबह 6 बजे ट्रेन हमारी खुलेगी जयपुर जंक्शन से, 10:30 तक लगभग हम लोग दिल्ली सराय रोहिला पहुँच जाएंगे। इस जर्नी में आपको मैं रूट दिखाने वाला हूँ और साथ साथ ट्रेन का इंटीरियर वगैरह दिखाऊंगा और ये चीज़ आपको बताऊंगा कि मेरी आँख का क्या हाल है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, अचानक से पूरी कंप्लीट रेड हो चुकी है और रेडनेस वगैरह कैसी है। जब थोड़ी बहुत डाउन होगी मैं आगे चल के आपको जर्नी में दिखाऊंगा, ठीक है। जब ट्रेन यहाँ से खुलती है तब आपको मैं डिपार्चर दिखाऊंगा। अगर आप ला रहे हो तो आपको बाहर वाले हिस्से में रखना पड़ेगा। अगर आपके पास बड़ी ट्रॉली है इस टाइप के बैग तो अपनी सीट पर भी रख सकते हो। बाकी ट्रेन का जो अपर डेक है वो कुछ ऐसा है, यहाँ जाने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा उतर के, और यहाँ लोअर डेक में जाने के लिए सीढ़ियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। ये जो लगेज स्पेस है ट्रेन का बहुत ही कम है, यहाँ पे ट्रॉली वगैरह नहीं आ पाती, ऐसे छोटे बैकपैक्स ही आ पाएंगे। बाकी सीट्स वगैरह नॉर्मली है, मतलब बहुत ज़्यादा कुशन वगैरह नहीं है, पुशबैक वगैरह ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन को थोड़ा कंजस्टेड बनाया ताकि ज़्यादा पैसेंजर्स एक कोच में ट्रैवल कर सकें। बाकी इंटीरियर ट्रेन की कुछ हमारी डबल डेकर निकली और दूसरी तरफ से जयपुर जोधपुर हाईकोर्ट एक्सप्रेस, साथ ही एल्को ट्विंस के साथ यहाँ पे हैदराबाद एक्सप्रेस आई हुई होगी, वो भी खड़ी हुई है। चाय ले ली थी मैंने जयपुर से, मज़ा तो नहीं आया इसमें सुबह सुबह, तो सोचा पहली चाय यहीं से शुरू की जाए। बाकी ऑन टाइम डिपार्चर हुआ अपनी गाड़ी का 6 बजे एकदम। शहर में बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने का जायका है, राजस्थान का टच है, एकदम देसी वाली फीलिंग है और देखने के लिए बहुत कुछ है शहर में। जयपुर जंक्शन से आप लोग बहुत सारे रूट्स में जा सकते हैं, जैसे कि सवाई माधोपुर वाली लाइन, साथ साथ अजमेर वाली लाइन और अजमेर से उदयपुर या तो मारवाड़ आबू रोड वाली। राजस्थान के हिस्सों में जाना है ना, चाहे वो चुरू हो, चाहे वो झुंझुनू हो, सीकर हो, लोहारू हो, तो जयपुर से अच्छी जगह कोई नहीं मिलेगी। राजस्थान अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा जयपुर जंक्शन से ट्रेनें लेना, क्योंकि भाई राजस्थान की राजधानी है, तो यहाँ से आपको हर जगह के लिए बसेज और ट्रेनें मिल जाएंगी। सवाई माधोपुर और कोटा जाने वाली लाइन हमसे अलग होती है, हम लोग बढ़ रहे हैं अभी दिल्ली लाइन की ओर और सूर्योदय अब से कुछ ही समय में होने वाला है। गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन जो कि इस ट्रेन का पहला हॉल्ट है, इसके बाद हम लोग अलवर रुकेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ बहुत तगड़ी भीड़ चढ़ी है गाड़ी में, साथ साथ ये स्टेशन खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा स्टाफ रेलवेज का हो, चाहे वो आरपीएफ टीम का हो, लेडीज़ का था, इसके लिए रिकॉर्ड भी बना हुआ था। काफ़ी अच्छा लगा था जब इस चीज़ की अनाउंसमेंट मैंने सुनी थी और आज उसे हम लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं गांधीनगर में। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का अपना हॉल्ट है, देखते हैं आप लोग को डिपार्चर। और इसी के साथ हम लोग भी निकल चुके हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन से, बाहर ही आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग इस ट्रेन को यहाँ से बोर्ड करते हैं, तो अगर आपका भी घर वगैरह यहाँ से पास पड़ता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। बाकी स्टेशन को काफ़ी अच्छे से सजा धजा के बनाया गया है, अच्छा लगा मुझे रेलवे स्टेशन काफ़ी, आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा परी मैच के बारे में, जहाँ पे आप अपनी स्पोर्ट्स की नॉलेज और प्रिडिक्शन के जरिए पैसे कमा सकते हैं।
जैसा कि यहाँ पे आपको बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, केवल क्रिकेट ही नहीं कबड्डी जैसे बहुत सारे गेम्स। और जब भी टूर्नामेंट चल रहे होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस, आईपीएल वगैरह चल रहा होता है, तब तो और ज़्यादा आपके प्रिडिक्शंस काम करते हैं। यहाँ पे आपको बस प्रिडिक्ट करना है किसी प्लेयर को लेकर या स्कोर को लेकर, और अगर आपका प्रिडिक्शन सही होता है तो यहाँ पे आप पैसे जीतते हैं। मेरी तरफ से आप लोग के लिए 3 टिप्स हैं। पहली टिप ये है कि कहीं भी एक बार में सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें। और दूसरी चीज़ ये कि जिस प्लेयर के ऊपर या जिस स्ट्रैटजी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार उसकी रैंकिंग एंड रेटिंग के बारे में ज़रूर पता कर लें। थर्ड चीज़ मेरी तरफ से ये रहेगी कि पेशेंस रखें और साथ साथ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके डिसीजंस लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ जहाँ से आप परी मैच में कैसे आपको अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है, कैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे खेल सकते हैं, आप इस चीज़ को सीखिए। और साथ ही साथ जब आप पैसे जीतेंगे तो उन्हें कैसे विदड्रॉ करना है, इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर से जाइए, डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक करिए और परी मैच पे अपनी स्पोर्ट्स स्किल्स को यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस। कुछ ऐसा दिखता है, आपको ऐसा लगे जैसे आप ट्रैक के बिल्कुल करीब हो, और प्लेटफॉर्म तो ऑलमोस्ट सेम हाइट पे आता है, बाकी सनराइज़ काफ़ी तगड़ा हो चुका है। और ट्रेन में अपना जो ब्रेकफास्ट है, जो हमने कटलेट ऑर्डर किए थे, वो आ चुके हैं, इसको भी टेस्ट करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, डबल डेकर ट्रेन को इंडियन रेलवेज़ में 2011 में शुरू किया गया था, और पहली डबल डेकर थी धनबाद से हावड़ा के बीच में, जो फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दी गई है। अभी लगभग 6 से 7 पेयर ट्रेन्स के चल रहे हैं, जिसमें से मडगांव से आपको LTT के लिए डबल डेकर मिल जाएगी, चेन्नई बैंगलोर मिलेगी, तिरुपति से विजयवाड़ा, और ऐसे ही अन्य रूट्स में आपको डबल डेकर ट्रेन्स देखने को मिलेंगी, जिनकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो लगभग 120 सीट्स की है। और जो बहुत सारी ट्रेन्स बंद की गई हैं, उनमें से इंदौर भोपाल के बीच में चलने वाली डबल डेकर भी है, साथ साथ तिरुपति से काचेगुड़ा के बीच में भी पहले डबल डेकर ट्रेन चलती थी। आपने किस ट्रेन में ट्रैवल किया है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी जल्दी से रिव्यू करते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसा है ट्रेन को। यहीं पर मिल जाएगी, हाथ में कटलेट देख लो ऐसे ही हैं, और ब्रेड आपको एक कवर में मतलब पेपर बैग में मिलेंगे, उसमें बटर शायद लगी हुई है, दिख तो रहा है कुछ, देखते हैं स्वाद कैसा है। बहुत ही बढ़िया कर्व निकल रहा है, कोई 40 रुपये के हिसाब से वर्थ है, खरीद सकते हो आप लोग भी। बाकी पानी, चाय, सभी चीज़ें आपको ट्रेन के अंदर ही मिल जाएंगी। ट्रेन ऑलमोस्ट पैक चलती है, तो अपर डेक से तो अभी तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर जब अपर डेक में सीट्स खाली होंगे तो वो उससे भी आपको दिखाऊंगा कैसे व्यू पॉइंट मिलते हैं आपको। ये
यहाँ हमारी ट्रेन अभी बांदीकुई जंक्शन को स्किप कर रही है। बहुत ही ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से भरतपुर की ओर लाइन गई है जो कि आगे अजमेर और आगरा की ओर निकलती है। अच्छा खासा प्लेटफॉर्म स्किप अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 7:15 हो रहे हैं और यहाँ पर हमारी डबल डेकर उसे स्किप कर रही है। बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप है पर डबल डेकर को यहाँ भी स्टॉप नहीं दिया गया है। राइट साइड पे भरतपुर वाली लाइन निकल जाती है। का अपना अराइवल टाइम था अलवर पे और यहाँ 7:50 पे अपनी गाड़ी 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करके अलवर जंक्शन पे पहुँच रही है। भूत की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, मतलब एक भूतिया किला कहा जाता है और उसकी बहुत सारी उसके ऊपर मूवीज भी बनी है और मैं आप लोगों को बता दूँ वो यहाँ से काफ़ी करीब है अलवर से। और साथ साथ बाल किला और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा अपनी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए और साथ ही साथ मिठाई के लिए। खोया अलवर का जो मिल्क केक है वो बहुत ही मशहूर है, तो यहाँ पे मिलता है। चलिए देखते हैं, दुकान से ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेन मात्र 2 मिनट रुकती है। इसका अपनी ट्रेन का हॉल्ट था, मैं आप लोगों को बता दूँ एकदम बीचों बीच पड़ता है जयपुर दिल्ली की लाइन में। 150 किलोमीटर से यहाँ से जयपुर भी और 150 किलोमीटर से दिल्ली भी है। और हमारी ट्रेन का इस 300 किलोमीटर के डिस्टेंस का जो फेयर है वो 500 रुपीज़ है। और ये ऐसी डबल डेकर एक्सप्रेस है जिसमें आपको एग्जीक्यूटिव क्लास भी देखने को मिलती है जिसका किराया आपको 1200 रुपये पड़ेगा, यानी 1200 पड़ेगा जयपुर से दिल्ली तक। अलवर से मंदना होते हुए मथुरा वाली लाइन जो है वो सामने निकल जाती है, इसीलिए अलवर को जंक्शन कहते हैं। का मिल्क केक जो हम लोगों ने ले लिया लकीली बाई चांस ट्रेन के निकलते निकलते, ये यहाँ पे मिलेगा आपको 300 रुपीज़ केजी। आपके स्टेट में आपके जगह पे क्या रेट है बताना ज़रूर। गाड़ी जब भी निकल रही है अलवर से ज़रूर लेते हैं, स्वाद हमेशा इसका बढ़िया मिलता है। आज भी बहुत बढ़िया, आप रिकमेंडेड है, आप ट्राई कर सकते हो जब आपकी ट्रेन यहाँ से निकले। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और यहाँ हमारी डबल डेकर अब पहुँच रही है रेवाड़ी जंक्शन।
अभी मैं आपको दिखाऊंगा चुरू रतनगढ़ सादुलपुर वाली लाइन जो आने वाली है। वैसे आप लोग देख लो आँख का क्या हाल है, अभी जब जयपुर चले थे एकदम डार्क रेड थी इसलिए मैं तब आपको दिखा नहीं पा रहा था। अभी थोड़ी सी ठीक है, बेटर हुई रेवाड़ी आते आते, बाकी लाइन आगे चली उसको। सामने जो लाइन है सियालदा दुरंतो से हम लोगों ने जर्नी की थी तब आपको दिखाई थी, सादुलपुर होते हुए चुरू रतनगढ़ इन सभी रूट्स के निकल जाती है। साथ साथ रिंगस के ओर अगर आपको जाना है, रिंगस फुलेरा जिसमें चेतक एक्सप्रेस जाती है, तो वो भी यही लाइन है। रेवाड़ी जंक्शन से आपको भिवानी के लिए, हिसार के लिए और भी अलग अलग रूट्स के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। साथ साथ एक और कमाल का लोकोमोटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पता नहीं कौन सा स्टील लोकोमोटिव है। रेवाड़ी में स्टीम लोकोमोटिव्स का शेड भी बनाया गया, क्योंकि एक ज़माने में मीटर गेज लोकोमोटिव्स का, मीटर गेज ट्रेन्स का बहुत ही बड़ा हब हुआ करता था। बता रहे कि वो आज़ाद था ना शायद, वो आज़ादी लग रही है जब हमने यहाँ से गढ़ी हर सरू का सफर किया, तो यही जन लगा हुआ था, तो आज़ादी हो सकता है। पहले गढ़ी हर सरू से दिल्ली के लिए चलती थी आज़ाद एक्सप्रेस, आज स्टीम एक्सप्रेस जो कि अभी फिलहाल बंद चल रही है, तो वही लग रहा था संदीप भाई को लोकोमोटिव। और वहां पे आप लोग देख लो डबल स्टैक्स की ट्रेनें, दो मंजिला मालगाड़ी जिसे आप कह सकते हो, साथ में पेट्रोलियम टैंकर भी हैं वहाँ पे। शायद जो लोग रेवाड़ी से हैं भाई कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कि ये जो लाइन है ये किस तरफ जा रही है। अभी रेवाड़ी से डिपार्चर पे ये लेफ्ट साइड निकल जाती है। बहुत ही अनकंफर्टेबल सी है, मतलब पुशबैक वगैरह कुछ खास है नहीं और हाइट भी बहुत कम सी है, दिक्कत ही होने वाली इसमें। अगर आपके पास सफिशेंट अमाउंट है तो यार इसका एग्जीक्यूटिव में करा लो, नहीं तो किसी भी ट्रेन के थ्री टायर में करा लो, लगभग आपको 560 रुपीज़ पड़ेगा रेवाड़ी तक का, वो ज़्यादा कम्फर्टेबल है कम्पेयर टू डबल डेकर में ऐसे घिसते घिसाते आने से। वैसे कुछ ही समय में गुड़गांव पहुँच रहे हैं, मिलता हूँ आप लोगों से गुड़गांव पर। हमारी लोकोमोटिव का जो हाई राइज पेंटो है वो देखो आप कितनी ऊंचाई पे केबल को टच कर रहा है। आते अपर डेक में थोड़ी सी जगह होगी तो मैंने सोचा यहाँ से भी आपको दिखाते हैं। हाइट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, मतलब लोअर डेक पे वो कमाल के व्यू नहीं है जो अपर डेक से आपको फील होगा। बाकी यहाँ पे बसई धनकोटी हम लोग स्किप कर रहे हैं, थोड़े समय पहुँचे हैं गुड़गांव। जो इंटरसिटी क्रॉस हुई वो थी बीकानेर की ओर जाने वाली, बीकानेर इंटरसिटी एक्सप्रेस काफ़ी अच्छी रफ्तार में पार हुई थी। बाकी देखते हैं गुड़गांव का अराइवल, तब आपको प्लेटफॉर्म की हाइट का अंदाज़ा लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गुड्स ट्रेन के ऑलमोस्ट हाइट पे हो, और यहाँ प्लेटफॉर्म देखो जब शुरू हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा पाओगे, देखो कितनी ऊंचाई पर है भाई अपना कोच। लेकिन यहाँ से जो व्यू है वो ज़्यादा बेटर यार, ये चीज़ तो मैं मानूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म की छत के बराबर पे एकदम चल रहे हैं,
गुड़गांव में भी 2 मिनट के हॉल के बाद ट्रेन जो है निकल चुकी है और यहाँ ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पहुँची है। 9:38 का अपना टाइम था, बिल्कुल 9:38 पर ट्रेन पहुँच चुकी है और प्लेटफॉर्म 2 से हम लोग निकल भी गए हैं। बारिश जो है वो होना शुरू हो गई थी तो उसका असर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी इस साइड में जो ट्रेन है उसे कार कैरियर ट्रेन बोलते हैं और यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव के साथ ये है और अपन लोग भी यहाँ से निकल चुके हैं। अब देखते हैं कि दिल्ली सराय रोहिला कब तक ट्रेन पहुँचती है। एक चीज़ आपने नोटिस की उस डीजल ट्रेन के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए थे, शायद है कि इसे सोलर पैनल से चलाया जा रहा है। जिन लोग को इस बारे में जानकारी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, काफ़ी यूनिक लगा मुझे देख करके। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के पैरों के पास अपनी ट्रेन जो है गुजर रही है। Most beautiful and powerful locomotive of Indian Railways, WAG-12B.